सत श्री अकाल, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। तुसी वेख रहे हो पंजाबी खबरां। खबरां दी शुरुआत तो पहला एक नजर अज दीआं मुख सुर्खियां ते। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवे संसद भवन का किया उद्घाटन। पीएम वालों संसद भवन विच पवित्र संगो स्थापित। गिलगित बालिस्तान के पहाड़ी खेतर में आया बर्फीला तूफान। तूफान कारण 10 लोगों की हुई मौत, कई जख्मी। दिल्ली के जंतर मंतर से भारी हंगामा। संसद भवन वाल जा रहे पहलवानों पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शानदार प्रोग्राम विच नवा संसद भवन अज देश नूं समर्पित कर दिता है। मोदी ने संगोल नूं प्रणाम किया अते उस नूं स्पीकर दी कुर्सी दे नेड़े स्थापित कर दिता। तमिलनाडु दे अधियानम संता ने पूरे रीति रिवाजा नाल रस्म अदा की। धार्मिक रस्मां तों बाद सेवादार संता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं संगोल सौंपिया, जिस नूं नवे संसद भवन विच स्थापित किया गया। नवे संसद भवन के उद्घाटन लई हवन पूजन होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे संसद भवन के निर्माण विच अहम भूमिका निभाउण वाले कुछ कर्मचारियों नूं भी सम्मानित किया। रवायती पहरावे विच सजे प्रधानमंत्री मोदी गेट नंबर 1 तों संसद कंपलैक्स विच दाखल होए अते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हां दा स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने संगोल नूं मत्था टेकिया अते अपने हाथ विच पवित्र राजदंड लै के तमिलनाडु दे वख-वख पुजारियों का आशीर्वाद लिया। इस मौके केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जितेंद्र सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा हाजिर सन। नवी संसद विच सर्वधर्म सभा विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारे कैबिनेट मंत्रियों और होर राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई उगे लोग मौजूद रहे। इस सर्वधर्म समागम विच बोधी, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धार्मिक आगुआ ने अपनी अपनी प्रार्थनावां कीतियां। दस दे कि 20 विरोधी पार्टियां ने संसद के उद्घाटन का बायकाट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम दे 101वें एपिसोड नूं संबोधित किया। अपने संबोधन विच उन्हें कहा कि मन की बात एक जन अंदोलन बन चुका है और इस दौरान मन की बात की सेंचुरी लई लोगों वालों मिल रही वधाइयां का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। खास गल है कि अज उन्होंने नवे संसद भवन का उद्घाटन भी किया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जदों मन की बात का प्रसारण होया तो उस समय दुनिया के वख-वख देशों विच वख-वख टाइम जोन विच किते शाम हो रही सी ते किते देर रात सी। इस तों बावजूद वड्डी गिनती विच लोगों ने 100वें एपीसोड नूं सुनन लई समां कढ़िया। मैं हजारां मील दूर न्यूजीलैंड कावो वीडियो भी वेख्या, जिस विच 100 साल दी इक माता जी अपना आशीर्वाद दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगे कहा कि भारत दी शक्ति इस दी विभिन्नता विच है, साडे देश विच वेखण लई बहुत कुछ है। इस नूं वेखते होए सिख्या मंत्री ने युवा संगम नां तों इक बेहतरीन पहल कीती है। पाकिस्तान के गिलगित बालिस्तान पहाड़ी खेतर में बर्फीले तूफान कारण घट्टो घट 10 लोगों की मौत हो गई ते 25 होर जख्मी हो गए। पुलिस ने जानकारी देंदिया दस्या कि गिलगित बालिस्तान के आस्टोर जिले के शॉर्टर ट्रंप इलाके में बर्फ के तोदे डिगण कारण मारे गए 10 लोगों में 3 औरतां भी शामिल ने। उन्होंने कहा कि स्थानक लोगों की मदद न बचाव मुहिम चलाई गई, बाद में पाकिस्तानी फौज के जवान भी बचाव मुहिम में शामिल हो गए। गिलगित बालिस्तान के प्रमुख सकत्र मोहीउद्दीन वानी ने बर्फीले तूफान की पुष्टि की ते कहा कि बचाव टीमां प्रभावित खेतर में काम कर रही ने। स्थानक मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान ने बर्फीले तूफान में जानी नुकसान से डूंगे दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने स्थानक अधिकारियों को बचाव कार्य तेज करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली के जंतर मंतर तो नवी पार्लीमेंट के सामने महापंचायत कर जा रहे पहलवानों पुलिस ने रोक लिया, जिस तों बाद दोवां विचाले बहस हो गई। पहलवानों ने पुलिस बैरीकेड नूं पार करके अगे वधन की कोशिश की, जिस तों बाद कई पहलवानों हिरासत में ले लिया गया।
पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि सानू गोली मारो, पुलिस वालों रोको जान मगरों पहलवान केरला हाउस नेड़े धरने ते बैठ गए और संसद इत्थों थोड़ी दूरी ते ही है। इस तो पहला पहलवानां दे दो बैरीकेड पार करते हुए इत्थे पहुंचे और पहलवानां ने कहा कि शांतिपूर्ण मार्च कढ़ांगे ते इह साडा अधिकार है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि अज महापंचायत जरूर होवेगी, असीं इस दी आग्या लई आ ते कल वी अर्जी दित्ती सी, पुलिस साडे लोकां नूं गुमराह कर रही है। पुलिस ने उत्थे पुनिया ने इल्जाम लाया कि पुलिस दे अधिकारी बदतमीजी कर रहे ने, असीं अपने स्वाभिमान लई खड़े हां ते असीं प्रशासन तों पुलिस द्वारा हिरासत विच लए साडे लोकां नूं बहाल करन दी अपील करदे हां। बीते दिन प्रवासी मजदूर श्याम लाल तो नाटकी ढंग नाल एटीएम बदल के लुटेरे वालों 35,000 रुपए की ठगी मारन का खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रवासी मजदूर श्याम लाल जो कि अपने परिवार समेत पिंड मुनक खुर्द विखे रह रहा है, अपनी पत्नी नाल एक्सिस बैंक टांडा के खाते विच एटीएम द्वारा 35,000 रुपए जमा करवा रहा है। मगर खड़े अणपछाते लुटेरे ने बड़ी होशियारी नाल उसका एटीएम कोड नंबर दे के एटीएम बदल लिया ते उत्थे मोटरसाइकिल लेके भज गया। 5-7 मिनटां विच पंजाब बैंक के एटीएम विचों 35,000 रुपए कढ़वा ले। इस संबंधी पुलिस स्टेशन टांडा विच दरखास्त दे दी गई ते साबका जिला परिषद मैंबर हुशियारपुर सुखविंदर सिंह मुनक ने पुलिस तो प्रवासी मजदूर श्याम लाल की मदद की मंग करदिया एक्सिस बैंक के सीसी कैमरे ते पंजाब सिंध बैंक के सीसी कैमरे वेख के लुटेरे नूं फड़न की मंग की। 1 बजे असीं गए सीगे एक्सिस बैंक पैसे जमा कराउण नूं, तो पैसे जमा कराते समय पीछे एक बंदा आ गया, मैं 35,000 रुपये उहदे विच पाए, 35,000 पा के फिर मैं जदों मेरी पर्ची निकल के आ गई, कार्ड निकलिया नहीं सीगा, जदों तक लाल बत्ती नहीं हटी मैं फिर पर्ची डिग पई, पर्ची चक्कन नूं थल्ले होया, वो बंदे ने मेरा एटीएम कार्ड चक लिया अपना उत्थे रख दिता, मिनट में मैं फड़िया सी कि वो मिनट में दौड़ के चल गया, पर 20 मिनट बाद मेरे 35,200 रुपये उन्हें फिर 10-10,000 करके कटा ले सी सारे। धर्म की कट्टरता तो दूर मनुखता की सेवा नूं मुख रखदिआं बिना किसी भेदभाव तो दुखियारे मरीजां ते उन्हां दे वारसां तो इलावा लोड़वंद परिवारां दी हर पक्खों पिछले लंबे समय तो मदद करदी आ रही इतिहासिक नगरी नाभा तो संस्था शहीद बाबा दीप सिंह वेलफेयर सेवा सोसायटी रजिस्टर्ड नाभा वालों शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज 5वें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे शहीदी पुरब नूं समर्पित पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ मरीजां ते उन्हां दे वारसां लई लंगर दीआं सेवावां निभाईआं गईआं। संस्था के मुख सेवादार भाई अमनदीप सिंह लवली ने जानकारी देंदिया दस्या कि इलाके दीआं संगतां वल्लों गुरु साहिब दी अपार कृपा नाल वड्डा सहयोग इस कारज लई पिछले तकरीबन 9 सालां तो मिल रहा है। लंगर पीजीआई दे वड्डे गेट अते ओपीडी दे गेट दे बाहर 2 थावां ते लगाया जांदा है। ऑक्सीजन दे कंसनट्रेटरां दा लंगर भी पिछले करीब 2 सालां तो जारी है। लोड़वंदां दे घरां दीआं छत्तां एजुकेशन नूं लै के सेवावां जारी ने ते इन्हां लंगरां दा अज वी वड्डी गिणती विच संगतां लाह लै रहीआं ने ते संस्था वल्लों पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ लंगर दी रवानगी समय अरदास विच गुरुद्वारा डेरा बाबा अजापाल सिंह जी घोड़ियां वाले विखे एसडीएम नाभा तरसेम चंद विशेष तौर पर अरदास विच शामिल होए जिथे उन्हां लंगर दी तैयारी संगतां वल्लों दित्ते जाण वाले सहयोग संबंधी सारी जानकारी हासिल कीती अते पिछले कई सालां तो चल रहे इस कारज दी शलाघा कीती। पंजाब दे अमृतसर स्थित कौमांतरी सरहद दे तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी BSF दे जवानां ने पाकिस्तान वल्लों नशियां दी तस्करी दी इक होर नपाक कोशिश नूं नाकाम करदिआं इक ड्रोन नूं डेग दित्ता है अते नशीले पदार्थां दी खेप लै के भज्जण वाले तस्करां नूं गिरफ्तार करन विच सफलता हासिल कीती। BSF दे लोक संपर्क अधिकारी ने दस्सिआ कि अमृतसर दे पिंड धनोए खुर्द नेड़े इलाके विच तैनात BSF दे जवानां ने इक शक्की ड्रोन दी आवाज़ सुनी। उन्हें कहा कि सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी की और ड्रोन को डेग दिया। इलाके की तलाशी दौरान BSF के जवानों ने धनोए खुर्द के खेतों में एक ड्रोन बरामद किया और इस दौरान पिंड धनोए खुर्द नेड़े तैनात सिपाहियों ने 3 शकी व्यक्तियों को पिंड वल भजते वेख्या, उन्होंने चुनौती दी और 1 शकी नशीले पदार्थों की खेप समेत दबोच लिया। नशीले पदार्थों की खेप वाला बैग लोहे की हुक और 4 चमकदार पट्टियों नाल फिट किया गया। पाकिस्तान के कई हिस्सों में सवेरे 6.0 की तीव्रता के भूचाल के झटके महसूस किए गए जिस कारण लोगों में दहशत फैल गई और वह अपने घरों से बाहर आने मजबूर हो गए।
इस्लामाबाद विच नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग के अनुसार भूचाल का केंद्र अफगानिस्तान अते तजाकिस्तान का सरहदी खेतर सी अते इह 223 किलोमीटर की डूंघाई तो पैदा होया सी, जिसने इसके विनाशकारी प्रभाव नूं काफी घटा दिता। देश के कई होर हिस्सों विच झटके महसूस किए गए। अज तक किसी जानी या माली नुकसान की सूचना नहीं है। पाकिस्तान विच अक्सर वक्त-वक्त तीव्रता के भूचाल आते रहते हैं। 2005 विच भी पाकिस्तान विच आए सब तो भयानक भूचाल विच 74,000 तो वध लोग मारे गए सन। खबरां दा सिलसिला इसे तरह जारी रहेगा, पर हुण वेला चुका है छोटे ब्रेक दा, इसलिए मिलदे हां ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। बीती शाम तो बदल गर्जन अते तेज पई बारिश नाल जिथे लोगों नूं गर्मी तो थोड़ी राहत मिली, उथे ये कईयां लई आफत भी बन के नजर आई। जिथे गुरदासपुर के कस्बा कादियां के नज़दीक वडाला ग्रंथियां विखे दो घरां विच असमानी बिजली डिगण कारण काफी नुकसान हो गया। घर के सारे कमरों ते इस असमानी बिजली का असर होया, पर बाबा जी के सरूप वाले कमरे नूं बिजली ने छूया तक नहीं। प्रभावित परिवारों के मैंबरों ने दसिया कि घर की तीसरी मंजिल उपर बाबा जी का कमरा से, जो कि छोटा होने कारण असी 15 दिन पहला ही थले वाले कमरे में शिफ्ट कर दिता सी। कल शाम असमानी बिजली डिगण नाल साडी तीसरी मंजिल तो लैके थले तक सारिया कंधा उत्ते वड्डियां वड्डियां त्रेड़ां आ गईयां अते बिजली का सारा समान सड़ के सुआह हो गया। पर बाबा जी वाला कमरा जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी छुपाए हुए सन, उस कमरे नूं असमानी बिजली छू तक नहीं सकी। यह गुरु महाराज की कृपा है कि साडा कोई भी जानी नुकसान नहीं होया। उन्होंने कहा कि सानू सब नूं गुरु महाराज के उपर विश्वास रखना चाहिए। धमाका होया बहुत जबरदस्त, उस तो बाद मुड़के इन्नी जबरदस्त लाइट थले पैरों च डिगी है, जिसका देख के धुआं धुआं हो गया, तो नुकसान हो गया, वायरिंग सड़ गई है, सारा घर का होर भी इलैक्ट्रिक समान जिहड़ा सारा सड़ के सुआह हो गया। नहीं, जानी नुकसान तो महाराज की कृपा रही है, बचा रह गया, पर ओदा मतलब बहुत ज्यादा धमाका वड्डा होया। मैं कल्ली घर हाँ, तो मैं बदल गजदा बहुत, नेरी बदल भी आया वा, मैं अंदर जाके तो लम्मी पै गई। मैं थोड़े चिर बाद ही ऐं होया जिदा बंब धमाका होया, तो मेरे उत्ते सब ही किंकरां कुंकरां जो सीमट दियां मेरे उत्ते डिग पईआं। मैं हौली हौली उठण की कोशिश करदी, धुआं धुआं अंदर विच हो गया, उठ के देखा धुआं धुआं आया, तो मेरे उत्ते सारा ही किंकरां कुंकरां जो सारा कुछ मेरे उत्ते डिग पईआ। लैंटर नहीं जिदा जिथे किथे वायरिंग दे लगे पैप लगे सारे सब टुट के मेरे उत्ते डिग पए, पक्खे उत्तों चिंगाड़े चुंगड़े डिगे ने बड़े। अमृतसर विच निहंग सिंघां दे बाणे विच आए 15 तो 20 व्यक्तियां वल्लों पान बीड़ी दे खोखियां दी भन्न तोड़ करन दा मामला सामने आया है, ते दुकानदार दा पैसियां नाल भरिया गल्लां विच चुक के लै गए। तुहानूं दस दईए कि अमृतसर दे हाल बाजार दे अंदर गोल हट्टी चौंक विच दो पान बीड़ियां दे खोखे, जो कि बहुत पुराने लगे हुए सन, कुछ 15 दे करीब निहंग सिंघां दे बाणे विच आए लोकां वल्लों अज इन्हां दे मालकां दी कुटमार करके दुकान दे समान दा नुकसान भी कीता गया, ते पैसियां नाल भरिया गल्लां नाल चुक के लै गए। पुलिस अधिकारी मौके ते पुजे, उन्हां वल्लों जांच शुरू कीती गई। पुलिस अधिकारी दा कहना कि किसे नाल भी अजिहा धक्का नहीं होंदेआंगे, किसे नूं कानून नाल खिलवाड़ करन नहीं दिता जावेगा। दरअसल हरिमंदर साहिब नेड़े जिन्ने भी खोखे दुकाना जां रेहड़ियां ने, सब नूं निहंग सिंघां वल्लों प्यार नाल बेनती कीती जा रही है, लंबे समय तो आके अपनियां दुकानां हरिमंदर साहिब दे घरों दूर लैके जाण दा ते किसे भी संगत नूं परेशानी ना होवे, पर अज देर रात अचनचेत बिना किसे वार्निंग तो कुछ हुलड़बाजां वल्लों पान बीड़ी दे दुकानदारां नूं कुट्टिया गया ते समान भी तहस नहस कर दिता गया। फिलहाल ओह लोग कौन सन, की चाहुंदे सन, इस ते पूरी जांच पुलिस कर रही है। गोलहट्टी चौंक दे विच दो दुकानां, भोला पान शॉप आ और दूसरी एक दुकान जिहड़ी होर आ इहनां दी भोला पान शॉप दे नां दे उत्ते ही आ। तुहानूं इत्थे कुछ हुलड़बाज आए आ जिन्हां ने आ के जिहड़ा हुलड़बाजी कीती आ, दुकानां ते भन्न तोड़ कीती आ, ओह वेरीफाई कर रहे असीं सारे मैटर नूं, और जो भी कानून के मुताबिक बनती है कार्रवाई करा। बंद 25 से 30 बंदे ही गल्ला भी खो के लै गए, दुकान चो कोल्ड ड्रिंक वगैरह चुक के लै गए, असं हर चीज़ को वेरीफाई करा, इन्हों के बयान लिखा, बयान लिख के मुकदमा दर्ज करा, जो भी वेरीफाई करा और जो कसूरवार होंगे उन्होंने गिरफ्तार किया जाएगा। पटियाला के श्री गुरु हरकिशन सीनियर सैकेंडरी स्कूल प्रेस रोड पटियाला 10वीं जमात का नतीजा ऐलाना गया, जिस विच ऐशप्रीत कौर ने पहला दर्जा, तशमीत कौर ने दूसरा, सिमरप्रीत कौर ने तीसरा दर्जा हासिल किया। जमात के सारे विद्यार्थी
फर्स्ट डिवीजन विच पास होए स्कूल दा रिजल्ट 100% रहा। स्कूल दे डायरेक्टर प्रिंसिपल श्रीमती जसविंदर कौर दर्दी ने बच्चियां ते अध्यापकां नूं वधाईयां दित्तियां। बच्चियां दे गलां विच हार पाके अते ढोल धमाके नाल उन्हां दा स्वागत कीता गया अते मिठाई नाल उन्हां दा मूंह मिठा करवाया गया। इस मौके श्रीमती जसविंदर कौर दर्दी ने अध्यापकां नूं शुभकामनावां दिंदे होए कहा कि अध्यापकां दी मेहनत